राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज सोमवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ शिव महापुराण की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को जब भी सुने पूरी सुने, ताकि आपको पूरी कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माँ पार्वती जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। नारद जी ने पूछा, तात महाप्रज्ञ प्रभो, आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि सपत ऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सपत ऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें बता रहा हूँ। सपत ऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्भ जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लगन पत्र उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उन सब का यथा योग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्न चित हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सब को सुख देने वाला था। उसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विवाहोचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हित कर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र आग में तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणिरत्न, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने सा आनंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्वतोभावेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधु जनों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मनियों तथा महारत्नों को यतन पूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंद्राचल, अस्ताचल, उद्याचल, मल्ल, दुर्दुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पारियात्र, क्रोच, पुरुषोत्तम, शैल, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्री शैल, गोकामुख, नारद,
विंध्य, कालंजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण कर अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में तथा यहाँ भी जो जो पर्वत हैं, वे सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह है, यह जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ पद अर्पण किया। सोनभद्र आदि नद और संपूर्ण नदियाँ दिव्य नरनारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य शेष सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आई। उन सब के आने से हिमालय की दिव्य पुत्री सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे, ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, बंधनवारों से उसकी शोभा होती थी। चारों ओर चंदोवे तने होने से वहां सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीली पीली आदि प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेक अनेक उपयुक्त सामग्री देकर उनको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनिश्रेष्ठ तदंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव कराया, उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए, उन्हें मांगलिक द्रव्य से संयुक्त किया। आंगन को केले के खंभों से सजाया, रेशम की डोरों में आम के पल्लव बांधकर बंधन वारे बनाई गई, उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उसके सब और लटका दी गई। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवऋषे वह मंडप कई योजन विस्तृत था। अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। वहां स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थी, परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उनसे उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी। वहां सब और ऐसी वस्तुएं थी जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहां छा रहा था। वहां की स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर प्राजित हो रहे थे, अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कार पूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थल भूमि जल से प्राजित हो रही थी। चतुर से चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे कि इसमें कहां जल है और कहां स्थल। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सारसों की पंक्तियां, कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे, कहीं कृत्रिम स्त्रियां थी जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और सब के मन को मोह लेती थी। इसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे जो स्थावर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी आ गई हो। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे
जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए। जहां तहां रथियों सहित रथ बने थे जो कृत्रिम अश्वों से खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहां खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहां मौजूद थी। मुने प्रसन्न चित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह में डालने के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल कांति से सुशोभित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है ठीक वैसा ही वह था। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रतन विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था जो पल्लवों और श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पार्श्व में दो कृत्रिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे चार दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह करते से प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इस प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान दो दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए ऐसी अद्भुत रचना की जो परम उज्जवल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।